अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फराज अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फराज इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, ये हमारा 11वां लेक्चर है। माशाल्लाह से मेरा लेक्चर जो है हमेशा 6-6 महीने बाद ही आता है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरीन आता है। तो इस मरतबा हम जो है प्राइमरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा मैंने जो है इसके साथ एक और लेक्चर भी इंक्लूड किया है जिसमें टोपोलॉजीज़ के बारे में है, क्योंकि टोपोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड करना ज़रूरी समझा है। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसलिए दिल थाम के खामोशी के साथ तवज्जो से सुने और कागज़ पेंसिल ले के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लिखना शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि प्राइमरी स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज होती है जिनको हम टेम्प्रेरी मेमोरीज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कैशे मेमोरी हो गई और रैम एंड रोम भी इसका हिस्सा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैशे मेमोरी भी किसी भी मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जा सकती है, ये कंपनी की तरफ से लगी भी होती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ये कंप्यूटर की रफ़्तार को बढ़ाने में मदद फराहम करती है, यानी कि कंप्यूटर की रफ़्तार को सुस्त नहीं होने देती और रैम और प्रोसेसर के दरमियान रबते को क्या करती है, तेज़ करने में मदद फराहम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से रैम और प्रोसेसर के साथ रबता कायम कराती है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी थोड़े बहुत हिंट दिए थे कि रैम जो होती है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक ऐसी मेमोरी जो डाटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है, और ये ऐसे काम करती है जैसे एक ब्रिज जो है काम करता है। ठीक है, अगर ब्रिज बड़ा होगा तो लोग ज़्यादा गुजरेंगे, ब्रिज अगर छोटा होगा तो लोग कम गुजरेंगे, इसलिए कहते हैं कि रैम का एक किस्म की ऐसी क्वालिटी है कि अगर रैम ज़्यादा होगी तो कंप्यूटर की रफ़्तार तेज़ होगी, अगर रैम कम होगी तो उसकी रफ़्तार स्लो होगी। उसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर को जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है वो जो है इनपुट के ज़रिए से, ठीक है, वो बेसिकली रैम के अंदर टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है और वो जो है आगे प्रोसेसर की तरफ तरतीब से जाता होता है। ठीक है जी, तो ये तो रैम का काम होता है, अगर रैम छोटी होगी तो वो स्टोरेज कर नहीं पाएगी, क्योंकि आजकल के विंडोज़ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, जो इंस्ट्रक्शंस जो है आधे से ज़्यादा रैम तो वो खा जाती हैं, ठीक है, लोड होके उसके बाद जो बाकी बचती है वो यूज़र के लिए होती है। तो आपने देखा होगा 4 GB की रैम होगी तो उसमें से काफ़ी सारी MB जो है कम होती है, ये सारी चीज़ें आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ऑब्जर्व की होंगी। अगर आपको नहीं आता तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा कि आप अपनी रैम की वर्किंग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरे ख्याल में आपको रैम के बारे में तो पता चल गया होगा। रैम की फिर बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। स्टैटिक रैम बेसिकली लाइव पल्स के ज़रिए से चलती है, यानी कि जब तक करंट चल रहा होगा तब तक वो काम करती है, जैसे ही आप उसको डिसकनेक्ट करेंगे करंट से तो वो मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगी, डाटा को रिमूव कर देगी। ठीक है, अब ये नहीं सोचने लग जाएगा कि सर रैम के अंदर जो है ना डाटा, तो आपने कहा वो मेमोरी है तो वो तो स्टोर कर सकती है, तो बंद होने के बाद भी उसमें डाटा स्टोर हो सकता हो, नहीं, कंप्यूटर तब तक वो डाटा स्टोर रखता है आपके पास जब तक आप उस पर मौजूद होते हैं। जैसे ही आप स्टोरेज से बाहर जाते हैं या प्रोग्राम से बाहर जाते हैं तो फौरन वो सारा रिमूव कर देता है प्रोग्राम। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि रैम के अंदर डाटा महफूज रहेगा। ठीक है, उसके बाद होती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम एक ऐसी रैम होती है जो बेसिकली डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर तो रखती है, लेकिन कुछ वक्त के लिए डाटा जो है ट्रांसफ़र महफूज रखती है, और उसके बाद जो है वो जब टेम्परेरी तौर पे सेव हो जाता है तो उसके बाद जो है वो क्लोज़ हो जाती है, इसी वजह से इसे कहा जाता है डायनेमिक। ठीक है, आपने देखा होगा कि बाद मरतबा जो रैम बड़ी होती है सिस्टम का, रैम अच्छा होता है तो जब अचानक से लाइट चली जाए तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड होता है वो रैम के ऊपर मौजूद होता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद होता है। तो वो किस वजह से होता है, वो डायनेमिक रैम की वजह से होता है, क्योंकि डायनेमिक रैम फ़ौरन क्लोज नहीं होती, डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के बाद क्लोज होती है। ठीक है जी, ये हो गया डायनेमिक रैम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोम के बारे में, इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऐसी मेमोरी जो सिर्फ और सिर्फ रीड की जा सकती है। ठीक है, इसमें बेसिकली रोम के अंदर जो है बेसिकली बायोस पाई जाती है,
ऐसी बायोस जो क्या करती है, कंप्यूटर को चलने के काबिल बनाती है। ये जो है कंपनी पहले से फिक्स करके भेजती है। और जो आपने देखा होगा कि डेल का होगा, तो आपके पास जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं डेल की तस्वीर आ जाती है, ठीक है, डेल लिखा हुआ जाता है, एचपी लिखा हुआ जाता है, या कोई चीज़ भी दूसरी कंपनियों के नाम लिखे हुए आ जाते हैं। ये सारे के सारे किसकी वजह से आते हैं? ये रूम की वजह से आते हैं। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि जब रूम मौजूद होता है, रूम लगा होता है, लेकिन रैम ना हो, तो तब भी वो काम नहीं करता, ठीक है, और अलार्म बजना शुरू हो जाता है, बीप टोन आना शुरू हो जाती है, तो हम समझते हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब हो गया है। वो बेसिकली जो है रूम का सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट होता है, जो रबता होता है, वो प्रोसेसर के साथ होता है, ठीक है, और उसके प्रोसेसर के साथ रबता तब तक नहीं हो सकता जब तक रूम में, रूम के साथ रैम मौजूद नहीं है। रैम मौजूद होगी तो ही प्रोसेसर के साथ उसका रबता कायम हो सकता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो बायोस होती है वो अहम किरदार अदा करती है किसी भी सिस्टम के चलने का, क्योंकि बायोस का मतलब ही यही होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी जितनी भी इनपुट दी जाती है या आउटपुट दी जाती है, उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो सारी की सारी रूम के अंदर पहले से मौजूद होती है। जैसे आप तस्वीर बनाते हैं तो कंप्यूटर को पहले से ही पता चल जाता है ये पिक्चर है, ठीक है, वो पिक्चर का IMG सिंटैक्स दे देता है, इंस्ट्रक्शन दे देता है, ठीक है। अगर टेक्स्ट होता है तो वो बता देता है टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स होता है तो डॉक्यूमेंट्स बता देता है, PDF होता है तो PDF बता देता है। ये सारी चीज़ें कैसे पता होती है? ये रूम के अंदर पहले से इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं, वो सिर्फ टाइप देख कर उसका सिंटैक्स लगा देता होता है। वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा दूँगा कि किस तरीके का इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा होगा कि आप मोबाइल आप सब यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, APK, ठीक है, एंड्रॉयड पैकेज जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के नाम से APK जिसे हम कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो गेम्स वगैरह की या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ EXE यानी कि एग्जीक्यूशन की फ़ाइल का इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, अगर ये इंस्ट्रक्शन ना हो तो वो फाइल काम नहीं करती, ठीक है। तो ये रूम के अंदर पहले से महफूज होती है। अब रूम की टाइप्स की तरफ आते हैं, ठीक है, रूम की कितनी टाइप्स है? बेसिकली रूम बेसिकली जो है 3 टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल है। वैसे तो अब काफ़ी सारी टाइप्स आ चुकी है, लेकिन हमने इन 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, EEP रोम है, EP रोम है, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है P रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको एक मरतबा प्रोग्राम किया जा सके। ये पहले से प्रोग्राम शुदा होती है, ठीक है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, जब आप कंपनी के पास लेकर आते हैं तो कंपनी इसको क्या करती है, प्रोग्राम करती है, फिर ये क्या करती है, कंपनी फिक्स करती है एक किस्म का मदरबोर्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने अपना रूम जो है जो है ना इंडिया से बनवाया है, ठीक है, और मेरा मदरबोर्ड जो है वो जापान या किसी दूसरे शहर से आया है, तो मैंने रूम जो है जब फिक्स कराऊँगा तो उसमें सबसे पहले मैं अपनी कंपनी की जो अपने इलाके की जो टाइप है मैं उसको जो है ना सेट करूँगा, जैसे तोशीबा हो गया, डेल हो गया, या कोई भी चीज़ उसकी इंस्ट्रक्शन डालूँगा, उसके बाद फिर मैं क्या है उसको फिक्स कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्रामेबल, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है EP रोम, यानी कि अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम एक मरतबा जो है रिमूव किया जा सके और उसके बाद जो है उसको दोबारा से चलाया जा सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने पहली मरतबा प्रोग्राम जो है ना रूम लिया था, उसके अंदर आपने रूम को लगा दिया, उसके बाद वो क्या रिपेयरिंग के लिए दोबारा से गया, तो उसको दोबारा से लोड करने के लिए जो टाइप इस्तेमाल की जाती है वो EP रोम की इस्तेमाल की जाती है। अब उसके बाद एक और टाइप आती है हमारे पास, वो है EEP रोम की, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जो इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे क्या की जाती है, रिमूव की जाती है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक पल्स के ज़रिए से हम जो है रिकॉर्ड को रिमूव करते हैं। ये जदीद तरीन रूम है जो आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हम क्या कर सकें, रूम की सेटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया होगा रैम और रूम के बारे में। अगर नहीं समझ आई तो मुझे कॉमेंट कर दें, मैं आपको अलग तरीके से समझा दूंगा। मेरा नंबर भी आपको YouTube चैनल पर दिया हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये हमारा 12वां लेक्चर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क एंड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर क्या है, वायर के ज़रिए से कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है ताकि क्या किया जा सके, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सके। नेटवर्क बेसिकली कहा ही ऐसे जाल को जाता है या ऐसे रिजर्व को जाता है जिसके अंदर कंप्यूटर्स के नेटवर्क को वायर के ज़रिए से जोड़ा जा सके। फिर इसमें हमारे पास टोपोलॉजीज़ की क्या आती है, टाइप्स आती है। इस नेटवर्क में टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और आजकल पॉपुलर भी है, क्योंकि इसके ज़रिए से कंप्यूटर्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है वायर से। इसमें टोपोलॉजीज़ भी हमारे पास बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी शामिल हैं। हम जो है बस टोपोलॉजी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बस टोपोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो केबल के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, केबल एक प्रॉपर केबल जो है बैकबोन के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसके साथ मुख्तलिफ़ कंप्यूटर जो है जुड़े होते हैं जो मुख्तलिफ़ मैसेजेस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। एक किस्म का आप ये याद रखिएगा कि बस टोपोलॉजी, बस कहते हैं वायर को, एक ऐसी वायर जो क्या होती है, मेजर यूनिट होती है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे PTCL की वायर जो है सिग्नल ट्रांसमिट करने का मेजर ज़रिया होती है, इसी तरीके से बस टोपोलॉजी के अंदर भी एक बस होती है, एक वायर होती है जो क्या करती है, डाटा को ट्रांसमिट करती है। आपने ये नहीं समझना कि बस टोपोलॉजी से मुराद बसेस का कोई निज़ाम है, नहीं। बस टोपोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें बस क्या है, यानी कि वायर जो है एक इस्तेमाल की जाए और इसके साथ कंप्यूटर्स को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बस टोपोलॉजी। और एक बात भी याद रखिएगा, कंप्यूटर की ज़बान में बस जो है बेसिकली वायर को कहा जाता है, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिट करने वाली कोई भी वायर होगी वो क्या कहलाएगी, बस कहलाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद हम चलते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक तो आसान तरीका है और आम तौर पर आपको मुख्तलिफ नेटवर्क के अंदर मिल जाएगा, जैसे हमारे पास कॉल सेंटर या दूसरी चीज़ें हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, वायर के ज़रिए से मुख्तलिफ नेटवर्क जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए से क्या हो सकता है, ये एक आसान सा नेटवर्क शुमार होता है, ठीक है, और ये लो कास्ट होता है, ये आम तौर पर इसी वजह से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बस टोपोलॉजी के बाद हमारे पास है जी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इसको कहते हैं हेड टू टेल, यानी कि एक कंप्यूटर का हेड और दूसरे कंप्यूटर का, यानी कि एक का हेड, यानी कि एक का जो है ना, हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर के वायर को दूसरे कंप्यूटर की वायर के साथ जोड़ देते हैं, फिर दूसरे कंप्यूटर की वायर को तीसरे के साथ, और इस तरीके से क्या है, हेड टू टेल कंप्यूटर क्या है, एक दूसरे के साथ रिंग की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, यानी कि एक नोड का किसी दूसरे नोड के साथ जुड़ना, दूसरे नोड का किसी दूसरे कंप्यूटर के नोड के साथ जुड़ने का निज़ाम क्या कहलाता है, नोड सिस्टम कहलाता है, या हम इसको क्या कहते हैं, रिंग सिस्टम कहते हैं जी। रिंग टोपोलॉजी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम जो मैसेज या जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसे टोकन पासिंग कहते हैं, यानी कि जो मैसेज जो है, जो निज़ाम जो है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप भेजते हैं वो क्या कहलाती है, टोकन पासिंग कहलाती है। इस नेटवर्क के तहत क्या किया जाता है, आपको एक स्पेसिफिक कोड के तहत हर कंप्यूटर के पास रिकॉर्ड भेजना होता है। इसमें क्या किया जाता है कि आप फाइल को ट्रांसमिट करते हैं तो वो हर कंप्यूटर उसको क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर इसकी वायर कट जाती है या किसी जगह से इसका कोई कनेक्शन ख़राब हो जाता है तो आप मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड से हाथ धो बैठते हैं, आपका नोड के साथ ताल्लुक़ या दूसरे कंप्यूटर के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। और इसकी मेंटेनेंस के लिए भी ख़ास तौर पर लोगों के जो तजर्बाकार लोग होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, और इनके पेयर्स भी बहुत ज़्यादा जो है ना कॉस्टली नहीं होते, ठीक है। तो ये आसान और जो है ना ये इस तरह समझ लें कि जल्दी मेंटेन करने वाला निज़ाम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो निज़ाम होता है उसको हम अगले निज़ाम में आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ना स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर क्या है, कंप्यूटर्स एक हब के साथ
चारों कोनों के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि एक किस्म का एक हब होगी, यानी कि एक मुडैम होगी, उसके साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स क्या है जुड़े होंगे, या इस तरह समझ लें कि एक सर्वर होगा और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स क्या है उसके साथ कनेक्ट होकर क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ऐसे निज़ाम को क्या कहा जाता है, बस टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है जी, हब जो होता है बेसिकली कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ने के निज़ाम को कहते हैं। ठीक है, हब बेसिकली क्या करता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट करता है जिसके ज़रिए से आप क्या करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ने में मदद देते हैं। यानी कि अगर आपने इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में देनी है तो उसके लिए आपके पास हब का होना ज़रूरी है, जो क्या करेगा, आपका सिग्नल आपके मुतलका कंप्यूटर के पास फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद उसको क्या है दोबारा से वापस रिसीव करके पहले कंप्यूटर के पास भी ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये एक वायर सिस्टम है जो क्या करता है नेटवर्किंग में एक सिंगल हब के तहत काम करता है, और इसमें क्या होता है, ये एक बेहतरीन और आसान मेंटेन करने वाला निज़ाम है। इसको फैमिली टोपोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को एक घर के अंदर भी, यानी कि एक ऐसे निज़ाम के तहत भी जोड़ा जा सकता है जिसमें फैमिली मुख्तलिफ कंप्यूटर्स रखती हो, हर एक बंदे के पास अपना कंप्यूटर हो और वो क्या है एक हब के तहत, यानी कि एक सर्वर के तहत क्या हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हब ख़राब हो गई है तो किसी किस्म का डाटा जो है ना आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि हब जो है एक मेजर यूनिट होता है, एक ऐसा सर्वर होता है जो क्या कर रहा होता है तमाम कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपका हब कंट्रोल ख़त्म हो गया तो ऐसे समझ लें आपका मुकम्मल तौर पे निज़ाम क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जो जदीद ट्री टोपोलॉजी में शामिल होती है। ठीक है, इसमें क्योंकि हम मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ को ऐड करके इस टोपोलॉजी को बनाते हैं, जिसमें हमारे पास स्टार टोपोलॉजी हो गई और जो है ना इसके साथ हमारे पास ट्री टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी जो है इसमें शामिल होते हैं, यानी कि तीन टोपोलॉजीज़ को मिक्स करके जो है दो टोपोलॉजीज़ को बेसिकली मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, तीसरी टोपोलॉजी बनाते हैं जिसको हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें एक टोपोलॉजी तो हो गई हमारे पास बस टोपोलॉजी, दूसरी टोपोलॉजी हमारे पास हो गई स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि ट्री टोपोलॉजी तब बनता है जब एक मेजर हब होता है और उस हब के साथ क्या है कंप्यूटर जो है स्टार की सूरत में जुड़े होते हैं एक नेटवर्क के तौर पे। हर नेटवर्क यानी कि हर टहनी के साथ, हर नेटवर्क की टहनी के साथ क्या होता है एक हब मौजूद होता है और उसके साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स क्या है जोड़े जाते हैं। फिर एक कंप्यूटर का क्या है हर एक हब को फिर जोड़ दिया जाता है दूसरे हब के साथ और उसका फिर क्या कर दिया जाता है नेटवर्क बना दिया जाता है। इसी तरीके से एक चेन बन जाती है, एक हब बन जाता, एक बस के साथ क्या है मुख्तलिफ हब्स जोड़कर स्टार टोपोलॉजीज़ को क्रिएट करके एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर दी जाती है, जिसके ज़रिए से एक से ज़्यादा हज़ारों स्टूडेंट्स या हज़ारों वर्कर्स क्या है बायक वक्त काम कर सकते हैं। आपको इसकी डायग्राम भी नज़र आ रही होगी जिसके अंदर आप देखें एक बस जो है क्या कर रही है, डाटा ट्रांसमिट कर रही है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के पास हब से। ठीक है, और इसी तरीके से ये नेटवर्क क्या होता है बढ़ता जाता है और ये जो है बहुत जदीद और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है ना नेटवर्क है। लेकिन इससे आगे एक और नेटवर्क भी है हमारे पास, वो है मैश नेटवर्क। ठीक है, मैश नेटवर्क बेहतरीन नेटवर्क है मेरे नज़दीक, क्योंकि एक ऐसा नेटवर्क जो क्या करता है किसी भी सूरत में ब्रेक डाउन नहीं करता। मिसाल के तौर पे आपके पास मैश नेटवर्क में ऐसा नेटवर्क होता है कि हर कंप्यूटर रिंग सूरत में भी ठीक है जुड़ा होता है, यानी कि एक वायर के साथ भी जुड़ा होता है और अलग अलग वायर्स के साथ भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। अगर एक कनेक्शन कट जाए तो वो दूसरे नेटवर्क के तहत यानी कि दूसरी वायर के तहत अपना नेटवर्क जो है ना बहाल रखता है और दूसरे कंप्यूटर्स के साथ उसका ताल्लुक हमेशा के लिए कायम रहता है। और इसी वजह से ये मैश टोपोलॉजी जो है एक ऐसी टोपोलॉजी और कामयाब टोपोलॉजी है जिससे ना डेटा ज़्यादा ज़ाया होता है और ना ही नेटवर्क में जो है कम्युनिकेशन में कोई खलल आता है। ठीक है जी, मैश टोपोलॉजी की डायग्राम भी आपके सामने आ गई होगी। देखिए कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ अलग पैटर्न से भी जुड़े हुए हैं और एक रिंग की सूरत में भी जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, मैश टोपोलॉजी के बाद हमारे पास आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक जदीद टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो आप उसके बारे में
अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो ट्री टोपोलॉजी और दूसरी टोपोलॉजीज को मिक्स करके जो है ना एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। आप उसकी बड़ी क्लासेस के अंदर जाकर पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो सब टोपोलॉजीज की माँ होती है, यानी कि उसके अंदर हर चीज़ पाई जाती है। ठीक है जी।